जिलाधिकारी फिरोजाबाद ने सुखोवाद ब्लॉक में प्रधानों से सीधा संवाद किया। 74 प्रधानों में से केवल 20 प्रधानों की उपस्थिति पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। प्रदेश सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायतों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए मंगलवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने प्रधानों से सीधा संवाद किया। प्रधानों की परेशानी जानी, साथ ही उनसे विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील की। इसके अलावा प्रधानों को अन्य दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। सिकोवा से हेक्स न्यूज के लिए मंजन की रिपोर्ट। सब भी अपने अपने अच्छे प्रभाव क्षेत्र के धनी हैं। आप लोगों के माध्यम से, हमारे मीडिया के बंधुगण हैं, उनके माध्यम से भी मैं ये मैसेज लाउड एंड क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग इस तरह के संवादों में नहीं आ सकते तो वो किसी भी दशा में हमारा सहयोग अपेक्षित रखें। ये उनको स्ट्रेट वे में उनको कम्युनिकेट कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सहयोगात्मक रवैया प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम भी नहीं रखेंगे अगर वो हमारे संवादों में उपस्थिति नहीं दर्ज कर सकते। कार्यक्रम जो है जनपद में सभी ब्लॉक्स पर हम लोग कर रहे हैं। आज शिकोहाबाद ब्लॉक में ये कार्यक्रम हुआ जिसमें प्रधानों के साथ प्रधान संवाद हमने इसको नाम दिया है, और प्रधानों के साथ सीधे रूप से जिले के शीर्ष अधिकारी, मैं, CDO और DPRO, अन्य भी विभागों के अधिकारी मुखातिब हो रहे थे। इसमें कई जो सभी कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में और विशेष रूप से उन योजनाओं के संबंध में जहाँ पर हमें प्रधानों का विशेष सहयोग चाहिए, उनका ध्यान आकर्षण चाहिए, जहाँ उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, उन अभियानों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। कुछ प्रधानों का जो ब्लॉक के प्रमुख ब्लॉक में जो वीडियो हैं उनकी कार्यशैली पर उनको कुछ आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। उनकी इस तरह की जो बातचीत थी उस पर मैंने उनको पहले ही कहा था कि आज हम लोग उनके ब्लॉक में आ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जिसमें सही मायने में उनके पास प्रमाण हो, एविडेंस हो, तो वो इस चीज़ को, तथ्य को रख सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा यहाँ से उनकी अनुपस्थिति इस बात को रिवील करती है कि कोई क्वांटिटेटिव उनके पास में चीज़ें नहीं थी, केवल उनके काम करने के कार्यशैली उनकी शैथिल्य थी जिसकी वजह से BDO उन पर उनको अंकुश करना चाहते थे। तो ऐसी दशा में ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाए और आज उन लोगों ने प्रेजेंस भी नहीं रही उनकी।